ओम नमः शिवाय। अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष बुधवार प्रतिपदा तिथि दिन में 4 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा आज कृतिका नक्षत्र में दिन में 10:30 बजे तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। आज के जन्मे जातक सुंदर, सत्य बोलने वाले, धनवान, मेधावी और सौम्य स्वभाव वाले होते हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी, कला, संगीत व नाटक में रुचि रखने वाले, सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के इच्छुक, परोपकारी, महत्वाकांक्षी, ईमानदार और सबका हित चाहने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, शुक्र व चंद्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी वृष राशि में ही चलते रहेंगे। आज से अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है, प्रारंभ हो रहा है। इस मास की कुछ खास विशेषताएं हैं। यह मास शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर अमावस्या पर संपूर्ण होता है और इस चंद्र मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक के बीच में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। सूर्य जिस राशि में चलते रहते हैं उसी राशि में मास पर्यंत पूरे माह बने रहते हैं। सूर्य इस समय वृष राशि में चल रहे हैं और इस मास के अंत तक वृष राशि में ही चलते रहेंगे। पुराणों में भगवान ने इस मास को पुरुषोत्तम मास की संज्ञा दी है। इन दिनों नया काम शुरू करना और मांगलिक कार्य करना वर्जित रहता है। धर्म कर्म से जुड़े हुए कार्य फलदायी होते हैं। मलमास में केवल ईश्वर के लिए व्रत, दान, पूजा, ध्यान आदि करने का विधान है। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप या गुरु द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, हरिवंश पुराण और एकादशी महात्म की कथाओं के कहने और सुनने से भी सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस दौरान श्रीमद्भागवत कथा, राम कथा और विष्णु भगवान की पूजा उपासना की जाती है। इस मास में पूजा करने का अपना एक अलग ही महत्व है। मेष राशि वाले जातकों के लिए धन लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा। वाणी की सौम्यता और वाक्पटुता में वृद्धि होगी। मानसिक सुकून और माता के स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सुधार का संकेत मिलता है। आपकी सक्रियता और प्रबल उत्साह की प्रवृत्ति हर काम में सफलता दिलाएगी। हालांकि कुछ कामों में अनावश्यक रुकावट या विवाद की संभावना बनती है, मगर अधिकारियों का सहयोग और दृढ़ इच्छा शक्ति से आप उसका समाधान निकालने में सफल रहेंगे। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे और नई कार्ययोजनाओं का विस्तार होता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृष राशि के जातक स्वास्थ्य संबंधी मामलों में पिछले दिनों की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे और कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल जारी रहेगा। संसाधनों पर आज भी व्यय का संकेत मिलता है। नई कार्ययोजनाओं के लिए आपके रचनात्मक प्रयास चलते रहेंगे और अधिकतर मामलों में आपको सफलता भी मिलेगी। कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे और व्यवसाय संबंधी प्रतियोगी भावना आपके अंदर भी विकसित होगी, जो कि कार्य क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। मिथुन राशि के जातकों को धन लाभ की स्थिति बनी रहेगी। व्यावसायिक विकास में आपकी सकारात्मक पहल कायम रहेगी, जिसका लाभ भी आपको मिलता जाएगा। नई कार्ययोजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। पारिवारिक प्रेरणा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले होंगे, मगर कुछ कार्यों में थोड़ा विलंब का संकेत मिलता है। बृहस्पति और शुक्र की प्रेरणा से कार्य पूरे होते जाएंगे और साझेदारी लाभदायक रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके मेहनत की सार्थकता सिद्ध होगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि वाले जातकों के आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और लाभ की स्थिति बनी रहेगी। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्रति चिंता बढ़ सकती है और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। कार्य क्षेत्र में दृढ़ विश्वास बना रहेगा, जो कि आपकी दक्षता को बढ़ाने का काम करेगा। अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा
मगर विवाद की स्थिति पैदा ना हो इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा मगर सफलता संभावित है। सिंह राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा और संबंधित मामलों में निवेश संभावित है। नई कार्य योजनाओं के विस्तार में मदद मिलेगी और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा। कुछ मामलों में भाग्यवश लाभ के संकेत मिलते हैं मगर कुछ मामलों में आपकी सार्थक पहल कमजोर पड़ सकती है। मगर संतान संबंधी सहूलियतें बनी रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में सहयोग बना रहेगा और भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। नई कार्य योजनाओं के लिए सहयोग जारी है मगर कुछ मामलों में सावधानी अपेक्षित है। मित्र व सहयोगियों से भी आर्थिक लाभ की उम्मीद बनती है। साझेदारी के नए प्रस्ताव सामने आएंगे जिन्हें लागू करने में सफल रहेंगे। बुध का आपकी राशि से आठवें चलना स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत देता है। संतान संबंधी चिंता आज लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। तुला राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में रचनात्मक पहल में कमी का अंदेशा बनता है और आपकी कार्य योजनाएं बाधित हो सकती हैं। विवादित मामलों का निपटारा आज के लिए उचित नहीं होगा। संबंधित मामलों में यात्रा या प्रवास संभावित है। नई कार्य योजनाएं लाभदायक रहेंगी। हालांकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक लाभ आपके मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। संतान संबंधित दायित्व की पूर्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के रुके हुए काम संपन्न होंगे और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी कामकाज में सहयोग और प्रेरणा मिलती रहेगी। व्यावहारिक तौर पर गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं मगर कार्य क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी और कार्य योजनाओं में आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन उचित होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अभ्यास जारी रखें। धनु राशि वाले जातकों के लिए ऊर्जा स्तर आत्मविश्वास दृढ़ इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी मगर मन में एकांत प्रियता और शांत माहौल में रहने की प्रवृत्ति में विकास होगा। अनावश्यक धन खर्च की स्थिति सामने आ सकती है। खुश और प्रसन्न रहने की मनोवृत्ति में कमी आएगी। हालांकि कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी और आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्यतया बनी रहेगी। नई कार्य योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं और रचनात्मक प्रयासों में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। मकर राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में गति आएगी और संबंधित मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता का सहयोग और अधिकारियों का सानिध्य शामिल होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी मगर शुक्र के छठे भाव में चलने से कुछ मामलों में धन की आवश्यकता, सक्रियता में कमी और व्यावसायिक योजनाओं में उतार चढ़ाव संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानियाँ रखनी चाहिए। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में अपने प्रयास जारी रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कमी आएगी और भाग्यवश काम अच्छे होंगे। निजी सुख संपत्ति में वृद्धि होगी और वैवाहिक मामलों में चल रहे प्रयास सफल होंगे मगर कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभावित है। पहले की चली आ रही योजनाओं में रुकावट या विवाद की संभावना बनती है। अधिकारियों का सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की संभावना बनती है। मीन राशि वाले जातकों के लिए प्रयासों का दौर जारी रहेगा मगर दृढ़ विश्वास और सार्थक पहल में कमी की संभावना बनती है। हालांकि चंद्रमा उच्च के हैं, आपके थोड़े से प्रयास से रुके हुए काम बन सकते हैं मगर सावधानी अपेक्षित है। योजनाएं बाधित हो सकती हैं। हालांकि आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा
और नई कार्य योजनाओं के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है, अध्ययन अध्यापन में सहयोग जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।